फरमाया कि अक्सर वेसर इब्ने आदम की जो खताएं वो उसकी जबान की वजह से। ये कहते हैं ना कि आपके अल्फाज जो होते हैं ना वो आपके गुलाम होते हैं, लेकिन आपके मुंह से निकलने से पहले, लेकिन जब आपके मुंह से निकल जाते हैं फिर आप उनके गुलाम होते हैं। इब्ने आदम जब सुबह करता है तो उसके तमाम आज़ा उसकी जबान से मुखातिब होकर कहते हैं कि इत्तक़िल्लाह फ़ीना, कि हमारे बारे में अल्लाह से डरती रहना, अगर तू सीधी रही ना हम भी सीधी रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई ना तो हमारा काम भी ख़राब हो जाएगा। इनकी कीमत क्या है? यानी आप आपके बदन से हो, आपकी ज़बान से हो, आपके हरकत से हो, आपके इशारे से हो, आपके हाथ से हो, आप लिख के बता दें, कुछ भी लिख के भी बोल दें, आप किताब में भी लिख के दे दें। ज़बान की हिफाजत करें कैसे? इसका एक अगर हम कहें कि एक छोटा सा ज़ाब्ता दे दें, एक छोटा सा कायदा, ये फार्मूला आप यूज़ कर लें जो कि अल्लाह के नबी ने बताया ना कि बिन हुस्न इस्लाम मर्ई तरकुहु मा ला याति, कि इंसान सबसे बेहतरीन इस्लाम की हालत में जब होता है जब वह हर उस चीज़ को छोड़ दे उसके काम के नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी टाइम से आपके साथ ही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा बेसिकली सेकंड पॉडकास्ट है, और बट स्टूडियो में फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारा इंशाल्लाह। तो किस मौजू पे बात करने बैठे हैं आज आप? आज तो मेरे ख्याल से उस मौजू पे बात कर रहे हैं जो कि हमारे जेडे से बड़ा रिलेट करता है। आपके जे डी एस से? आप तो बहुत अच्छे थे, बहुत साफ सुथरे थे जे डी एस में ना, बहुत नेक थे माशाल्लाह। हमारे जे डी एस ख़राब थे बड़े, कह सकते हैं। कैमरे पे नहीं बताया ना, वो पर्सनल पे बात करेंगे। कह सकते हैं हमारे जे डी एस के ही मुताबिक है वो, ये कि ज़बान के मुताबिक, यानी हम किस तरह हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। और ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आज बच्चे से लेके बड़े तक और मर्द से लेके औरत तक हर शख्स को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है ज़बान ऐसी चीज़ है कि आपको जहन्नम में भी ज़बान ले जा सकती है और जन्नत में भी ज़बान ले जा सकती है आपको। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले ज़बान अल्लाह सुब्हान व तआला ने दी क्यों है, इसका मकसद क्या है? हमारी एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ज़बान बोलने के लिए होती है, ज़बान बोलने के लिए होती है, बहुत अहम बात बता रहे हैं आप इसे। लेकिन सलफ़ सालेहीन कहते हैं कि ज़बान खामोश रहने के लिए होती है। ज़बान का असल मकसद बोलना नहीं होता, ज़बान का असल मकसद खामोश रहना होता है, इल्ला ये कि कभी आपको कुछ भलाई की बात बोलने की ज़रूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ इसका अपोजिट होता है कि हम एनी टाइम बोलते रहते हैं, इल्ला ये कि कभी खामोश बैठ जाते हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास का भी, अब्दुल्ला बिन मसूद का भी कॉल मिलता है, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा हक रखती होगी उसको कैद किया जाए, यानी ज़्यादा उसको रोका जाए, रखा जाए, वो है ज़बान। ज़बान ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो वो आपके लिए बड़ी एक मुसीबत का बायस बनेगी। हत्ता के कुछ सलफ़ से हम मज़ीद पढ़ें तो वो कहते हैं कि योर टंग इज़ लाइक अ वाइल्ड एनिमल, आपकी ज़बान जो है वो कोई ऐसे वाइल्ड एनिमल हो, उसको आप नहीं रोकेंगे, कुछ करेंगे तो आप पे हमला करेगा। इसी तरह ज़बान है, आप नहीं रुकते, आप उसको कंट्रोल नहीं करते तो एट दी एंड यही है कि उसका नुकसान आप देखेंगे। कहते हैं ना कि आपके अल्फाज जो होते हैं ना वो आपके गुलाम होते हैं, लेकिन आपके मुंह से निकलने से पहले, लेकिन जब आपके मुंह से निकल जाते हैं फिर आप उनके गुलाम होते हैं। ऐसा ही है। तो अगर ज़बान का मकसद देखें, बेसिकली उसको खामोश रहने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, इल्ला ये कि कभी उससे कोई भलाई की बात और अल्लाह ताला के दीन की बात कहनी पड़े। जैसे हदीस में आता है कि मन का नहीं बिल्लाह वलियौम आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत, कि जो शख्स मोमिन है, ईमान रखता है यौम आखिरत पर अल्लाह ताला पर, उसे चाहिए कि वो खामोश रहे, या फिर अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो अच्छी बात कहे या उसको खामोश रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं इमाम शाफ़ी का एक कॉल पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि इदा अरादल कलाम, कि अगर कोई शख्स कलाम करना चाहे फ़ालिह युफक्किर क़ब्ला कलामी, तो उसे चाहिए कि वो पहले गौर व फिक्र करे कुछ भी बोलने से, अगर उसमें वो मसलहत देखता है, कोई फ़ायदा देखता है कि इसके ज़रिए कुछ फ़ायदा है या कोई मेरा मकसद है, तो उसे चाहिए कि फिर बोले, अदरवाइज वो खामोश रहे। खामोश रहे, यानी इतनी एक उन्होंने जामे बात कही है कि वो उन्होंने सर हर चीज़ को समाप्त कर दिया एक ही चीज़ के अंदर, कि गीबत का भी यहाँ से दरवाज़ा बंद हो गया, लान तान का भी, या किसी को कमतर समझना, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये इस चीज़ के अंदर आ गई। और आप देखें हमारे माशरे में छोटे छोटे
कलिमात कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैरिड कपिल है या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, उनके दरमियान की जो रिलेशन है सिर्फ एक एक कलमे की बुनियाद पर उनके डिवोर्स रहते हैं। इसकी वजह, और ये दुनिया में तो उसके लिए है लेकिन इसके बारे में भी शरीयत ने, जैसे कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि ला युल्की लहा बालन, कि बंदा जो है वो एक ऐसा कलमा अपनी ज़बान से निकालता है और वो अल्लाह की खुशनुदी का होता है और वो उसको बुरा भी नहीं जानता, यानी उसको कुछ परवाह नहीं है कि क्या है क्या है, कुछ नहीं ठीक है। यरफ़अल्लाहु बिहा दरजा, तो अल्लाह ताला उस कलीमे के जरिए उसका दर्जा बुलंद कर देते हैं, यानी सिर्फ एक कलमा, ज़्यादा कुछ भी नहीं। इंटेंशनली उसने ऐसे किया नहीं था। और हाँ इसी के अपोजिट अब अल्लाह ने अपने मजीद फरमाया कि इन्नल अब्द यतकल्लमु मिन सखतिल्लाहि ला युल्की लहा बाल, कि बंदा जो है वो अपने ज़बान से ऐसा कलमा निकालता है जो कि अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने और वो उसको बुरा भी नहीं जानता। तो अल्लाह ताला क्या करता है, यहवी बिया जहन्नम यहवी बिया फी जहन्नम, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देता है, यानी सिर्फ एक कलमा। हम तो आज के दौर में बाहर दोस्तों में बैठे हैं, तब तक किसी को क्रिटिसाइज ना किया जाए, जब तक किसी को डिमोटिवेट ना किया जाए, हमारी महफिल तो अधूरी है, या फिर सो कॉल्ड हमारे कहा जाता है ये तो मम्मी डैडी है, और सिंपल जो शख्स खामोश रहता हो, बोलने की ज्यादा आदत ना हो, वाकईतन वो शरीयत की नज़र में एक मुस्तहसन हो, लेकिन लोग उसको फिर मैच्योर तसव्वुर नहीं करते कि ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है, ये बोंगा है और सन्नाटा है, इस तरीके से है। उसको अलकाब दिए जाते हैं। जबकि ये कितनी अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन खसलत है खामोशी, जो बहुत कम लोगों में असर आती है, और जबान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल काम है ये। जैसे कि अब्दुल्ला बिन मसूद का कॉल भी मिलता है कि वो अपनी ज़बान से कहा करते थे कि या लिसान है लिसान के कुल खैरन तगनम, के तुम खैर की बात कहो गनी हो जाओगी, वस्कुत अन शर्रिन तस्लम, के आप जो हैं अपनी ज़बान को मुखातिब करते हैं कि तुम खामोश रहो शर से तुम बच जाओगी, मिन कबली अन तंदम, इससे पहले कि तुम ज़बान के तुम निज़ामत का शिकार हो। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने फिर अल्लाह के नबी की ये हदीस नरेट की, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अक्सर व बेशतर इब्ने आदम की जो खताएं वो उसकी ज़बान की वजह से, यानी ये ज़बान को इतना ज़्यादा हमारे जो अल्लाह के नबी कंपेनियंस हैं या फिर जो भी जो हमारे सलफ गुजरे हैं उन्होंने बड़ा ही एहतियात किए वो ज़बान के हवाले से। और हदीस में भी आता है ना कि अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा था कि मन नजात, अल्लाह के नबी नजात क्या है? आपने फरमाया कि अमसिक अलैक लिसानक, अपनी जबान को काबू में रखा करो। सबसे पहली चीज़ जो इंसान को आगे से आगे, जिस तरीके से इमाम नवी कहते हैं ना कि इंसान को अगर कोई मुबाह कलाम है ना, जायज़, ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान उसके अंदर, उसे चाहिए वो भी ना करे, क्योंकि कभी कभी मुबाह कलाम भी उसको हराम की तरफ ले जाता है। कभी कभी कोई बात होती है, उसको मसला नहीं होता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उससे कहीं ना कहीं हराम कलाम तक तो पहुँच जाता है उससे ना। तो उस जबान के बारे में अगर हम और भी बहुत सारी नरेशन को देखें ना, जिस तरीके से एक हदीस में आता है कि एक सहाबी जो अल्लाह के नबी आयत के पास आए थे, उन्होंने कहता है अल्लाह के नबी हदीस नबी अमरीन आतसिम भी, कोई मुझे ऐसा काम बता दीजिए जिसे मैं मजबूती से पकड़ लूँ। आपने फरमाया था कि कुल आमन तो बिल्ला फुम मस्तकीम। उसके बाद उन सहाबी ने अल्लाह के नबी से फरमाया था, अल्लाह के नबी मुझे वो चीज़ बताइए कि जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा मुझ पर डर है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान पहुँचाएगी। तो हदीस में आता है कि फ़अख़ذ باللسان نفسه ثم قال هذا, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान को पकड़ा और कहा यह चीज़ है, इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत डर है कि ये चीज़ बहुत नुकसान पहुँचाएगी तुम्हारे। और यहाँ तक कि ज़बान के मुताबिक, यानी जो उमूमन हमारे यहाँ किसी गुनाह गुनाह नहीं समझा जाता, किसी भी चीज़ को गलत नहीं तस्वूर किया जाता, इवन कि आप किसी को रोकें भी, क्योंकि यूनी में जो मेरे दोस्त वगैरह हैं उनसे कभी बात हो या फिर कभी वो गाली दे रहे हैं किसी को या कभी वो गुस्से में, तो कहते हैं मौलाना साहब आप नहीं रोकेगा मुझे, अभी मैं गुस्से में मुझे नहीं रोकना। और जैसे कि वो गुनाह सिर्फ हमारी नज़र में है या फिर हमें हमें बुरा लग रहा है शरी तौर पर नहीं है, इसकी वजह ये भी होती है कि हम जो है ना कलाम या कोई भी बात करते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होता, यानी बिला ज़रूरत बात हो रही है, अल्लाह के जिक्र से वो बात खाली है। जैसे कि अल्लाह ने भी नहीं फरमाया था कि ला तुकस्सिरु कलाम बिगैर ज़िक्रिल्लाह, कि आप जो है कसरत कलाम आप ज़्यादा गुफ्तगू ना करें अल्लाह के जिक्र के अलावा, जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो आप कलाम ना करें। फ़इन्ना कसरत अल कलामी बगैर जिक्र लाही कसवतुल निल कल, अब यहाँ अल्लाह के नबी ने इल्लत का जिक्र करी कि
कि दिलों की सख्ती के लिए कसरत कलाम जो है ये एक इल्लत अल्लाह के नबी ने जिक्र करी, क्योंकि कसरत कलाम अल्लाह के जिक्र के अलावा जैसे अल्लाह के नबी ने इल्लत ये जिक्र करी कि वो दिलों को सख्त कर देती। और आगे मजीद क्या कहते हैं, इन्ना अबअद अन्नासी मिनल्लाही अल-क़ल्बुल क़ासी, कि जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा दूर जो लोग हैं वो क्या हैं, सख्त दिल जिनके हैं, यानी ये सख्ती का दिल अल्लाह से दूर करता है। जब अल्लाह बंदा अल्लाह से दूर होता है तो एट द एंड वो फिर इन सब चीज़ों में फजूल कलाम में फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, एडिक्शंस हैं वगैरह वगैरह, आस्ता 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 वो उनकी तरफ चला जाता है। यानी ज़बान का हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल है और हम इसको बस बगैर, और हदीस में आता है कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इब्न आदम जब सुबह करता है तो उसके तमाम आज़ा उसकी ज़बान से मुखातिब होकर कहते हैं कि इत्तक़िल्लाह फ़ीना, कि हमारे बारे में अल्लाह से डरती रहना, अगर तू सीधी रही ना हम भी सीधी रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई ना तो हमारा काम भी ख़राब हो जाएगा। यानी कि ज़बान को वो तमाम आज़ा मुखातिब कर रहे हैं कि आपकी वजह से हम सीधे हैं, आप टेढ़ी हुई हम भी टेढ़ी हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपने बात की कि अगर हम ज़बान का सही इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला जो है हमारे दिलों को भी नरम कर देगा, और बहुत सारी इबादत के अंदर दिल भी लग सकता है इससे ना। ये मुझे सूरतुल मोमिनून में जब अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए फरमाते हैं ना कि क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीनहुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीनहुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, कि पहले फरमाया है कि जो लोग नमाज़ों में खुशी इख्तियार करते हैं और लग बातों से फजूल बातों से परहेज करते हैं वो मोमिन हैं। मुफस्सिरीन इस आयत की तशरीह में लिखते हैं, तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने खुशू की आयत के बाद लफ की आयत इसलिए बयान की कि जब तक बंदा फजूल बातों को नहीं छोड़ेगा उसकी नमाज में खुशू नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले खुशू का जिक्र किया और फिर लग बातों को छोड़ने का जिक्र किया। तो बहुत अच्छा पॉइंट है माशाल्लाह। और आज उमूमी तौर पर हमारे यहाँ भी नमाज में खुशू खुशू की कमी बहुत है, इल्ला मन रहिम रब्बी, बहुत कम लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि उनके पास खुशू है। और सही बताएं तो आजकल जो हमारे यहाँ लोग हैं ना, इस चीज़ की कमी बहुत महसूस होती है, इंक्लूड अस, हम भी कोई दूध में धुले हुए नहीं हैं कि हमें पता ही नहीं खुशू क्या होता है। बस नमाज हम पढ़ लें ना, हम कुछ एक्शंस कर लें तो हम बोलते हैं बस ठीक है नमाज तो पढ़ रहा है ठीक करने दो उसको, जबकि खुशू का मामला बहुत ज़रूरी मामला ही है। हम लोग इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो देते नहीं हैं आजकल। हम जब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, आज के दौर में जो लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि दीन इस्लाम हमें ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ नज़र आता है। बस कोई मज़हब वज़हब नहीं, आप सिर्फ एक इंसानियत को फ़रोग दें, सिर्फ रहम दिली की बात है, मेरा मज़हब इंसानियत है, मेरा मज़हब इंसानियत है। आपको बहुत मिलेंगे इस नाम में भी, एक हमारे सर मिले थे जो कि हमसे थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ी मज़ीद हुई, तो वो कह रहे थे कि आप किसी भी मज़हब को या किसी भी रिलीजन को आप गलत नहीं बोलें, अगर वो कोई नेकी कर रहे हैं तो सब सही है, लेकिन इंसानियत बरकरार होनी चाहिए। बहरहाल लेकिन हम लबे लबाब शरीयत का हम देखें, ओवरऑल जितनी भी शरीयत ने हमें तालीमात दी हैं उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस्लामिक वे में हम देखें तो सबसे ज़्यादा इस्लाम ही ऐसा रिलीजन है जो ह्यूमैनिटी की दावत देता है आपको। जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिसकी मुझे ज़मानत दे दे मुझे जन्नत की ज़मानत दूंगा, यह मोमिन यज़मुनुनी मा बैन लहयैही वमा बैन रिजलैही अज़मुनु लहु अल-जन्नत, कि जो बंदा मुझे दो पैरों के दरमियान यानी जो शर्म गए आपकी और जो आपके जबड़ों के दरमियान जो है ज़बान यानी माउथ की यानी टंग की जो मुझे जो भी दो चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूंगा। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये दो चीज़ें ही आपके माशरे में फसाद का बायस बनती है, एक ज़बान शरत ने दरवाज़ा रोक दिया, दूसरी चीज़ आपकी शर्मगा, जो जितने भी जो सेक्सुअल आप देखते हैं कि चीज़ें हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी ये जैनब का केस हुआ था, बच्ची का ये हुआ, क्या हुआ, ह्यूमैनिटी की आप बात करने का इस्लाम नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़राए जो इस्लाम जो रिलीजन है जो रोक रहा है कि इंसानियत को फ़रोग दे रहा है कि इंसानियत बाकी रहे, इस्लाम भी मैं समझता हूँ ऐसा रिलीजन है जो कि हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। और ज़बान बहुत सारे गुनाहों की ना जड़ है, जिस तरीके से हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, जिस तरीके से आँख जो होती है ना वो बड़े बड़े मेजर सिंस की जड़ होती है, इसी तरीके से ज़बान भी हमें ना बहुत सारे फसादों की तरफ लीड करके ले जाती है। जिस तरीके से ना छोटी सी बात होती है, अगर ना अगर हल्का सा कोई मसला हो भी गया तो अगर किसी ने मुंह से कुछ बोल दिया ना आपको, वो बोलेगा तूने गाली कैसे दी मेरे को,
अब यहाँ से बात शुरू हो जाएगी। वो पहले चमाट नहीं भरेगा, पहले बात मुंह से शुरू होती है, वो तूने ये बोला कैसे, तो बात जबान से शुरू होती है, फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है कि फिर वो कत्लो वारदात बात पहुंच जाती है। लेकिन अच्छा सब कुछ ठीक है, हमने सुना, लेकिन इतनी ज़्यादा हम बात कर क्यों रहे हैं ज़बान के ऊपर, हम ज़बान की हिफाजत और सब कुछ, क्या ज़बान की वजह से भी इंसान जन्नत और जहन्नम के फैसला इंसान का होगा, या ज़बान की वजह से इंसान जहन्नम में जाएगा, ये सवाल एक। हमजा भाई, ये तो हदीस में कई मकामात पर आता है कि जैसे एक हदीस हमने कोट की, सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर एक बंदा जो है वो जहनों में चला जाता है, और एक कलमे की बुनियाद पर ही अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। और बाज़ दफ़ा ये कलिमात ही ना, इवन के देखें हमें बहुत से बंदे ऐसे मिलते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो सिर्फ ज़बान के ऊपर ही, हालांकि उनका फेल ये नहीं होता, लेकिन बस वो माशरे में डिप्रेशन की वजह से या कुछ वजह से कि हम अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, हम बस चाहते हैं कि हम किसी तरह चले जाएं, यानी एक अल्लाह से मायूसी का इजहार भी, सिर्फ है तो कलमा ही, बात ही कर रहा है वो, लेकिन क्या एट दी एंड वो अल्लाह से मायूसी का इजहार कर रहा है ज़बान की बुनियाद पर। और अल्लाह से मायूसी होना कुछ भी है, ये कुफूर है सीधा सीधा। लाइफ इज टू हार्ड यार, बस अब आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। हम सब आप भी उसके मिलने के लग रहे हैं मुझे। अच्छा ये हम जो बात कर रहे हैं ना कि जबान जबान जबान, एक सहाबी ने भी अल्लाह के नबी से पूछा था ना कि अल्लाह के नबी व इन्ना लमु आखिदुना बिमा नतकल्लमु बिही, कि अल्लाह के नबी हम जो बात करते हैं जो जबान से हम कहते हैं कि इस पर भी हमारा मुआवजा होगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इस ज़बान की वजह से तो लोग औंधे मुंह जहन्नम में डाले जाएंगे, सिर्फ इस ज़बान की वजह से। इस ज़बान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है वाले, हम इसीलिए आपके सामने इस मौजू पे बात करने बैठे हैं। तो अगर हम इस मौजू को आगे बढ़ाएं, अच्छा एट द एंड हम सारी बातों को कुल मिला के अगर इसको एक हदीस में जमा करना चाहें ना, तो हम करें क्या, ज़बान की हिफाजत करें कैसे इसका एक, अगर हम कहें कि एक छोटा सा ज़ाब्ता दे दें, एक छोटा सा कायदा, ये फार्मूला आप यूज़ कर लें जो कि अल्लाह के नबी ने बताया ना कि मिन हुस्न इस्लाम मरई तरकुहु मा ला यानी, कि इंसान सबसे बेहतरीन इस्लाम की हालत में जब होता है जब वो हर उस चीज़ को छोड़ दे उसके काम के नहीं है। आपको किसी चीज़ के अंदर फ़ायदा नज़र आ रहा है, वो दुनियावी फ़ायदा हो दीनी फ़ायदा हो सकता है, अगर फ़ायदा नज़र आ रहा है तो आप बात करें, नहीं तो आप छोड़ दें। आपको ज़रूरी नहीं हर मसले में आप टांग अड़ाएं, हर मसले में आपकी राय ज़रूरी हो, ऐसा नहीं होता। आजकल ये ट्रेंड हमारे यहाँ पाया जाता है ना कि हर मसले में जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, आप समझेंगे यार ये लोग बोलेंगे मुझे इस मसले के बारे में पता नहीं है। और इस तरीके से यकीन कीजिए हमारे जो उलमा नहीं कह सकते उनको, लेकिन इस फील्ड के अंदर थोड़े बहुत घुसे होते हैं वो, थोड़े बहुत उन्होंने दीन पढ़ा होता है, उनके सामने हल्की सी बात आप करें कोई दीनी मसले की, उनको अपनी राय देना ज़रूरी होती है। नहीं, इस मसले में तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हो जाए तो इस मसले में ये नहीं होगा, उस पता कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या वो लोग समझेंगे यार इस मसले का इस बंदे को नहीं पता। मैं भी थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी झाड़ू ना, मेरे को इस मसले में पता है, उनको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि यार मैं भी पता है इस मसले में, अगर इस मसले में हम ऐसा कर लें, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था वहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं होता हर मसले के अंदर राय देना। इवन के हम सब कुछ लोग तो यहाँ तक भी नजर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो उलमा की जरूरत ही नहीं है, हमें इतना नॉलेज है कि हम खुद डील कर लेंगे उलमा सारे वगैरह एक्स वाई ये जेड। पूरा एक अलग इतना मतलब सीरीज चल सकती है पूरे पॉडकास्ट इसके ऊपर, तो इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम अब हमने एक जनरली तौर पे ज़बान की बात की, ज़बान की हिफाजत की बात की, अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस मौजू पे आएँ कि ज़बान से इंसान के किस किस किस्म के गुनाह हो जाते हैं, इंसान से क्या क्या गुनाह हैं जो हमारे अंदर राइज हैं, और सबसे ज़्यादा गुनाह हमारे अंदर होते हैं ज़बान की वजह से, किस कौन कौन से गुनाह इंसान कर यानी अगर सकता है। हम जबान को मज़ीद कैटेगराइज करें तो मज़ीद, एक तो हमने एक ओवरऑल बात की, तो हमारे पास कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स निकल सकते हैं, जैसे गीबत का सही। टॉपिक है, जैसे गाली देना है, एक्स वजह फोर्स झूठ चलाना है, है। झूठ है, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस पॉडकास्ट में हम एक एक टॉपिक पर थोड़ी सी तफसील गुफ्तगू तो करें। सबसे पहले अगर हम गीबत पे बात करना शुरू करें, तो गीबत क्या हो, वैसे होती क्या है गीबत, अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो व्हाट इज गीबत। वैसे हमजा भाई, ये पहले आपने बहुत अच्छी बात करी कि हम पहले गीबत की जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, इसको हम शरी लिहाज से समझें कि गीबत है क्या। यानी सिंपल माने में ये कि आप कुछ भी किसी दूसरे शख्स के बारे में कुछ भी बयान करें या समझें, या फिर किसी भी इशारा भी कर दें, ठीक है ना, और उसमें आपका मकसद क्या हो, वो ये हो कि उसकी तनकीस मुराद हो,
उसकी बुराई करना मकसद हो तो ये गीबत है सिंपल। फॉर एग्जांपल आपने ये भी कह दिया कि अल्लाह उसको हिदायत दे, और इसमें आपका कहना मकसद ये था कि उसकी तनकीज़ करना मकसद ही ये नहीं कहा था कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो ये भी उलमा कहते हैं कि इस गीबत में शामिल है, क्यों? क्योंकि इसमें आप जो हैं वो उस शख्स के लिए उसकी तनकीज़ दूसरे शख्स को बयान कर रहे हैं, अब आप इशारा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इशारा करके दे दिया, इशारा कर दिया उस शख्स को, आपने कहा ऐसे ही आपने कुछ भी कह दिया कि तो है ही ऐसा है, कुछ भी उसको जाने दें, ये तमाम की तमाम चीज़ें, हाँ ये लंबी करेगा, ये भी एक टर्म अपनी जबान की हिफाजत बात कर रहे हैं। और फरहान अच्छा, अगर हम आँख से भी इशारा करते किसी तरफ, जो अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि खवातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, आपस में बैठे हुए अगर ना उनकी आँख से गीबत है एनी टाइम, बड़ी फैमिली के अंदर बड़ा उनको एक फन होता ही है, बड़ी माहिर होती है इसके अंदर, वो आँख से ना सामने अपनी वाली जो सहेली होगी कोई भी होगी, वो उनके नंद हो बाबा जो, उसको पूरा समझा देंगी, या शोहर से बात करनी हो भले शोहर वो कोने वाले उसमें बैठा हुआ, लेकिन वो सब कुछ बता देंगी कि वो जो है ना वो मुझे ऐसे देख रही है, उसके बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया है, कि घर जाके बताऊंगी मैं। भाई बहुत दर्द से अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस पर हमें समझना चाहिए कि गीबत सिर्फ जबान से नहीं, इमाम नवी ने तो इवन हर एक चीज़ को एक एक स्टेप बाय स्टेप या फिर जितना कैटेगराइज किया है जितना वो कर सकते थे, यानी पूरे हाफ से ज़्यादा पेज पर उन्होंने सिर्फ ये बात करी है कि गीबत क्या है, यानी आपके बदन से हो, आपकी जबान से हो, आपके हरकत से हो, आपके इशारे से हो, आपके हाथ से, आप लिख के बता दें, कुछ भी लिख के भी बोलते हैं, आप किताब में भी लिख के दे दें कि फलां शख्स तो ऐसा, ये तमाम के तमाम आप किसी की तरह उसकी मतलब एक्शन कर उसकी तरह चल के दिखा दें आप। और एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने भी सहाबा कराम से पूछा था ना कि अतदरून मल गीबा, कि एक सहाबा कराम कि आप जानते हैं गीबत क्या होती है, तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह और रसूल आलम अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फिर आपने खुद ही डेफिनेशन बयान की गीबत की कि दिक्रू का अखवा का बीमा यक्रा, कि आपका अपने भाई के बारे में किसी ऐसी बात का जिक्र करना जो उसे नापसंद है। तो ये एक इतनी सी टर्म के अंदर अल्लाह के नबी ने पूरी गीबत को डिफाइन कर दिया कि गीबत होती क्या है। अच्छा, इवन के आज आप किसी में आज सोसाइटी में आप किसी को रोकें कह रहे तो गीबत हो रही है, वो आपको छुट्टी ये कहते हैं कि यार गीबत थोड़ी हो रही है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ जिसको दिल को तसली देने वाली बात है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, बताना गीबत बताना ही है, यानी आप किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं और वो नापसंद करता है कि आप उसको कोई चीज़ बताएं, ये गीबत ही है सिंपल। अगर किसी को पता भी है ना कि मैं गीबत कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को थोड़ा साइड करने के लिए बोलता है यार एक्चुअली मेरा मतलब गीबत करना नहीं है, लेकिन वो बंदा जो है ना पूरी उसने गीबत कर दी, लेकिन एक्चुअली मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब उसका वो नहीं होता, लेकिन पूरी गीबत हो चुकी होती है ना आप। और ये आप जब बिजनेस के फील्ड में जाएँ या फिर किसी भी इस तरह की फील्ड होती है जो आप अर्निंग जहाँ से करते हैं, ये वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किस बुनियाद पर? इसका जो मेजर मैं जो समझता हूँ वो ये है कि हसद, आपको किसी से हसद होना यार वो किस तरह मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, हालांकि वो मुझसे बाद में आया है, और ये चीज़ बड़ी इंसान को ना ख़त्म कर देती है अंदर से। और अजीब मैं मज़ीद इस तरह से जाना चाहूँगा कि गीबत को जैसे हमने पे जिक्र किया कि हाथ से भी हो जाए, तो इसकी हमें हदीस से भी ना एक हमें मिलता है, जैसे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ने जो अल्लाह के नबी से जिक्र किया, उनके सामने सफ़िया जो उनकी दूसरी वाइफ थी उनका जिक्र हुआ, तो उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि गोया कि वो बताना चाह रही थी वो तो छोटी छोटे कद की है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपने तो ऐसा कलमा कह दिया है कि अगर उसको पानी में या समंदर में मिलाया जाए तो वो पूरा कड़वा हो जाए, यानी इतनी ज़्यादा सख्त तरीन बात। हम तो क्या कुछ कह जाते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज की डिस्कस कर लेते हैं हर चीज़, यहाँ तो जो उन्होंने इशारा किया और इस पर भी अल्लाह के नबी ने हमें इतना रोका, यानी गीबत इतनी संगीन जुर्म है। अगर हम गीबत को वाकई सही तौर पे पढ़ लें ना, अगर सहाबा कराम के बारे में सलफ़ सालिहीन का जो एक्शंस थे और उनका जो एक गीबत के बारे में तसव्वुर था और जिस तरीके से बचते थे इससे, तो यकीन कीजिए हम जब दो बंदे बैठे हो ना कभी थर्ड पर्सन का जिक्र ही ना करें, इतना कोई ये सख्त और इतना क्रिटिकल मामला है गीबत का, इंसान हल्की सी कोई बात करे ना उसके जहन में आ जाए यार गीबत कर रहा हूँ मैं। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि हमारी अवामुल नास जितने भी हैं उनमें ये अमूमन कॉमन चीज़ पाई जाती है, आप देखें जब से हमारे यहाँ एक थोड़ी सी सेकुलर सोच तो नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि थोड़ा उनसे मुतासर, आप हम सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों को जो कि सेकुलर होते हैं या लिबरल होते हैं, वो सीधा क्रिटिसाइज़ करते हैं उलमा को,
और ये चीज़ आपको आवाम में भी मिलेगी कि वो आवाम जो है उलमा को किस तरह क्रिटिसाइज करती है, यानी फ़लाँ आलिम तो ऐसा है, फ़लाँ तो ये करता है, फ़लाँ तो ये करता है। मैं बहुत कॉमन होती जा सिर्फ रही इतनी चीज। सी बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि वो आलिम इन केस कुछ कर भी रहा है, आपको बज़ाहिर ऐसा लग भी रहा है कि वो कुछ कर रहा है, तो आप पर है कि आप अपने अमल को देखें। उस आलिम के बारे में कुरान में वईद मौजूद है, हदीस में मौजूद, जितनी भी वईद कुरान और हदीस में मौजूद है, उसका अमल का बदला उसको मिलेगा, उसको इल्म है कि वो क्या कर रहा है। और आवाम से ज़्यादा शदीद वईद उलमा के लिए, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं गलत जो तो शरीयत के मुताबिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक महफिल लगाएं। जिस शख्स जो शख्स इस बंदे से उस आलिम से बदजन नहीं है, मैं उसको भी बदजन करूं, यानी इस तरह उलमा से दूर होते हुए मैंने लोगों को देखा है कि यार फलां शख्स तो ऐसा है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने उनको देखा है करते हुए, बोलते नहीं मैंने सुना है। फिर आप सब सुन के इस तरह बात कर रहे हैं आप। आगे मजीद बात करेंगे कि नमीमा जिसको हम कहते हैं यानी चुगलखोरी, कितने बड़े जुर्म है जिसकी वजह से गीबत भी एक सहारा लेते हैं लोग, और इस किस तरह इन सब मामलों में और आगे उलमा की बढ़ते गीबत के हैं। बारे में भी सलफ सालिहीन का कौल है ना कि इन लहूम अलउलमाई मसमूमत, उलमा का गोश जहरीला होता है, यानी कि जो उलमा की गीबत करता है ना, यानी कि वो जाहिर सी बात है गीबत करना मुसलमान भाई का गोश खाना है, उलमा का गोश जहरीला होता है, इंसान को मार देता है वो। मैं चाहूँगा कि इसमें आप इससे पहले थोड़ी मजीद वजाहत करें कि उसमें पहले जो कुरान में आया था कि ला यक्तब बादुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैता, यहाँ पर क्या कि गीबत करना गोया के अपने जिंदा भाई के या फिर अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने से अल्लाह ताला तशबीह दी है जो कि आप नापसंद करेंगे। तो इससे रिलेट करते हुए उलमा कहते हैं कि अगर आप आलिम की वो कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, तो वो तो जहरीला है, तो कड़वा होना वो तो जहरीला है, यानी उसका आपको गीबत करना मजीद गुनाह का बायस होगा आपके लिए और वो माशरे में फसाद का बायस होगा। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अगर कोई शख्स किसी की गीबत करता है किसी के पीठ पीछे, तो ऐसा है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। तो एक आलिम लिखते हैं कि अगर कोई अपने किसी मुसलमान भाई के सामने उसकी बुराई कर रहा है ना, तो ऐसा है वो अपने जिंदा भाई का गोश्त खा रहा है। हम हमारे यहाँ होता है ना कि यार मैं तो उसके मुंह पे भी कह देता हूँ ये बात, तो हाँ आइए कौन सा अच्छा करते हैं आप। अल्लाह के नबी का किसी की इस्लाह करने का तरीका ये नहीं था। आपका ये तो इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, इस्लाह का तरीका आप अल्लाह के नबी से सीखें कि इस्लाह का तरीका क्या होता है, गीबत क्या होती है, इसके अंदर फ़र्क होना चाहिए, हमारे को आना चाहिए फ़र्क। इवन कि अल्लाह के नबी ने जब मेराज हुई अल्लाह के नबी को, तो वहाँ पर भी कुछ लोग अल्लाह के नबी को दिखाए गए जो कि गीबत क्या करते थे। जैसे कि अल्लाह के नबी फरमाया कि लम्मा उरिजा भी, कि जब मुझे मेराज कराई गई तो मैं एक ऐसी कौम से गुजरा गुजरा जिनके नाखून जो थे वो पीतल के थे, जो कि मेटल है, वो क्या कर तांबे के रहे ना। थे, हाँ वो अपने चेहरों को इस तरह नोच रहे थे जैसे कि वो अपनी स्किन जो है वो निकाल रहे हैं, या फिर वो इतने जुल्म कर रहे थे अपने आप पर। तो उनसे पूछा गया, अल्लाह के नबी ने पूछा जब जिब्रील सलाम से कि कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि ये अपने भाई का गोश्त खाया करते थे, यानी किबत किया गीबत करते है थे, क्या यानी करते हैं। इतना ज़्यादा शदीद वही जो है अल्लाह के नबी ने देखी। तो गीबत का मामला बड़ा ही एक और गीबत करने से आपको पता भी है होता क्या है इंसान का, इंसान की नेकियां अपने उस भाई के पास चली जाती हैं। तो गीबत करने से ना आपकी नेकियां जो गीबत कर रहा है वो उसके पास चली जाती हैं जिससे गीबत हो रही है। जिस तरीके से हसन बसरी रहमहुल्लाह, उनको किसी ने कहा कि मैंने सुना कि आप मेरी गीबत करते हैं, इन्ने का तख्ताब होनी, आप मेरी गीबत करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मा बालगो कद रुकाइन दी अन उहक्की मगर फी हसनाती, कि अभी आप इतने भी अच्छे नहीं हुए कि आपको मैं अपनी नेकियां दे दूं। और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह वो कहते हैं कि अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने वालिदैन की करता, क्योंकि मेरी नेकियों की सबसे ज़्यादा हकदार मेरे वालिदैन हैं। तो सलफ़ सालेहीन का तो ये एक एटीट्यूड था गीबत के बारे में, उससे बचने के बारे में, और हमारा आज हम देख सकते हैं हमारा हाल क्या हुआ है इस बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक मज़ीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, हमारा ये होता है कि चले आप गिबत नहीं कर रहे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, आपका ये सुनते है कि रहें। आप सुनते रहें। आप पर सलफ तो ये कहते हैं कि आप पर ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसको अपने हाथों से रोकें, अगर आप हाथों से नहीं रोक रहे तो कम से कम उसको दिल में तो बुरा जाने वहाँ हदीस की से बुनियाद हैं। पर मन रहा मन करो। जैसे कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जो कोई शख्स अपने भाई की इज्जत को बचाएगा किसी के दूसरे से, यानी फॉर एग्जाम्पल गीबत कर रहा है उसको उसने रोक दिया कि यार आप गीबत ना करें, तो अल्लाह ताला भी कयामत के दिन उसके चेहरे से आँखों उठाएगा, यानी जहन्नुम को अल्लाह ताला उससे दूर कर देगा। ये भी जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है और अल्लाह के नबी ने यहाँ पर एक जिक्र करा है कि ये जो है
गीबत की सुन रहे हैं आप, तो कम से कम उसको आप रोके, इसकी फजीलत भी वारिद हमें मिल जाती है इस तरह। सबसे पहले हम उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें कि जिस तरीके अल्लाह ने फरमाया कि कोई शख्स बुराई देखे उसे चाहिए कि हाथ से रोके। अगर सेकंड स्टेप ये है कि अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोकें। आपके सामने गीबत हो रही है, आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं, आपके सामने लोग दबा के इधर उधर की गीबतें कर रहे हैं कि फ़लाँ शख्स तो ऐसा है, फलां को देख लो। आप पे ज़रूरी है कि आप उसको कहें कि सर खामोश हो जाएं, ये गीबत कर रहे हैं आप। जिस तरह कि हमें कुछ साहबा से भी मिलता है, जब काब बिन मालिक का वाक्य पढ़े पूरा तफसील से ना, किस तरह वो पीछे रह गए और किस तरह उनके जो मामला थे। तो जब अल्लाह के नबी गजवा में पहुंच गए, जिससे वो पीछे रह गए थे, गजवा तबूक जो रमज़ान में हुआ था, वो उससे पीछे रह गए थे, तो जब वो वहाँ पहुँच गए तो अल्लाह के नबी उनका तस्करा नहीं किया, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पूछा कि अना काब, ये काब बिन मालिक किधर है। तो बनू सलमा के कुछ लोगों ने कहा कि उसे तो, यानी उनको जो उनको तो है, दो चादरों ने और रंगीनों ने घेर लिया है, क्योंकि उस टाइम पर वो काब बिन मालिक खुद कहते हैं कि मैं जो है उस टाइम पर काफ़ी रिच था, अल्लाह ने मुझे काफ़ी ज़्यादा एक वेल्दी तौर पर मैं बहुत मजबूत था उस टाइम पर। लेकिन फिर उस टाइम पर माज बिन जबल वहीं मौजूद थे, वो क्या कहते हैं कि आप ऐसा ना कहो, यानी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही और फौरन ही माज बिन जबल ने उनको कह दिया कि आप ऐसा ना कहें, हमने तो उनमें खैर के अलावा कुछ भी नहीं पाया। यानी वो उनकी जो भी था उसमें थी या नहीं थी, लेकिन उनकी स्पीच पीछे उनके ऐसी बात कर रहे थे कि वो उनके लिए एक नापसंद करते हो। तो अल्लाह के नबी ने फिर वहाँ खामोशी अख्तियार करी कि नहीं, क्योंकि माज बिन जबल ने उनको मना कर दिया था उस चीज़ के लिए। अच्छा, एक एटीट्यूड हमारी यहाँ भी पाया जाता है कि आपको पता है चलो गीबत हो रही है कि आप चाह रहे हैं कि यार ठीक है, आपने कहा कि भाई सर खामोश हो जाए गीबत हो रही है, लेकिन आप दिल में सोच रहे हैं कि नहीं, और बताओ। आप बात बज़ाहिर तो बोल रहे हैं कि सर खामोश हो जाए, ये गीबत कर रहे हैं आप, आपके दिल में आ रही है कि नहीं, थोड़ा सा और बताओ। अच्छा आगे क्या हुआ था? अच्छा और क्या है इस बंदे के अंदर? तो बल्कि इसके बारे में सलफ़ सॉलिहीन कहते हैं कि ज़ालिक निफ़ाक़ हूँ, ये निफाक की अलामत है आपके। आप दिल में कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं कि बाहर कह रहे हैं सर गीबत हो रही है, नहीं कह रहे हैं, अंदर आपके दिल में है कि आप और बातें बताओ इसकी, और गीबतें करो, तो ये निफाक की अलामत है। और थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम उसको ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा जाने कि भाई यहाँ गीबत हो रही है, आप कम से कम उस महफिल को छोड़ के चले जाएं, आप वहाँ ना बैठे। आपको पता है यहाँ गीबत हो रही है लोगों की, आप वहाँ ना बैठे। जिसके जैसा कि सलफ़ सालिहीन में से गालिबन सुफियान सॉरी या इब्राहिम बिन अदहम रहिमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब वो एक दफ़ा किसी दावत में गए, वलीमे की दावत में उनको बुलाया गया था, तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ लोग किसी शख्स के बारे में बातें कर रहे थे, उसकी गीबत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इन्नहु सकीलुन, इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मैं तो ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से लोगों की गीबतें होती हैं, जहाँ लोगों की इबादत की जाती है। इब्राहिम बिन अदहम ने वो दावत वहाँ पे खाना भी नहीं खाया, वहाँ से उठ के चले गए। तो इस तरीके से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से नहीं रोक सकते, तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं वहाँ से उठ के चले जाएँ, हम क्यों उस गुनाह के अंदर शरीक हो रहे हैं। हम सब, मैं चाहूँगा कि अब हमने गीबत गुफ्तगू करी, लेकिन मैं चाहूँगा कि चले आपसे गीबत हो गई है बिलफर्ज, अनजाने में और ना अनजाने में, तो करना क्या है। तो उस शख्स के लिए है कि वो चार चीज़ें ज़रूर करे। पहला क्या कि वो उस गीबत को अगर कर रहा है, उसको एहसास हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो खामोश हो जाए। फर्स्ट स्टेप तो ये कि वो खामोश हो जाए, यानी उस गुनाह को छोड़ दे। सेकेंड स्टेप ये कि उसको उस चीज़ के ऊपर निदामत हो, यानी वो जब तक निदामत नहीं होगी उसको, वो उसको दोबारा करेगा। और यही हमारा थर्ड स्टेप है कि वो अपनी आपसे वादा करे कि वो इस चीज़ को दोबारा नहीं रिपीट करेगा। फोर्थ ये है कि वो जाए उस शख्स के पास, उससे माफ़ी मांगे। क्योंकि बस ये चार चीज़ें हैं, इससे पहले जो तीन चीज़ें थी वो अमूमन हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह के जितने भी गुनाह आपसे हो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे गुनाह हो गया कि आपने म्यूजिक सुन लिया, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी किसी एडिक्शन में आपने कर लिए, तो ये तीन चीज़ें स्टेप जो थी। लेकिन हुकूक इबाद की जब बात आए ना, तो हुकूक इबाद में आपका लाजिम है कि फोर्थ स्टेप को भी आप ऐड करें। वो क्या है कि आप जो है उससे जाके माफ़ी मांगें कि फलां शख्स जाकर कहें कि मैंने आपकी ये गीबत करी है। अच्छा, इसमें मज़ीद एक और उलमा के दरमियान एक ये डिबेट है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है टॉपिक है, वो ये कि क्या उस पर ज़रूरी है कि वो एक एक चीज़ बताए कि मैंने ये गीबत करी है, और क्या वो सिर्फ ये बोलते कि मैंने गीबत करी। तो यहाँ पर इमाम शाफ़ी का तो, या जो बहुत अच्छे स्कॉलर गुजरे हैं एज यू नो, के वो ये कहते हैं कि उस पर ज़रूरी है कि वो एक एक चीज़ बताएं। बाज़ दफ़ा हो सकता है उसने किसी दूसरे शख्स के बारे में उसकी ऐसी गीबत कर दी हो जो कि वो उसमें मौजूद ही नहीं, या उसके लिए बहुत ऐबदार हो,
और वही ऐप जो है वो उसके लिए माशरे में गलत हो जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए इमाम शाफी ने कहा कि नहीं, उसे चाहिए कि वो एक एक चीज़ आकर बताए कि मैंने आप ये इस तरह गिबत करी। और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ तौबा कर ले और सिर्फ उसको बता दें कि मेरी आपसे गिबत हो गई और उनसे बुरा हो गया बस। अच्छा, एक और चीज़ हमें ना इसमें ऐड ज़रूर करनी चाहिए कि हमारी एक एटीट्यूड ये भी पाया जाता है कि हम किसी गिबत कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला कहे, देखिए सर ये गिबत कर रहे हैं आप छोड़ें। हम बोलते हैं भाई इसके अंदर है ये बात, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो है उसके अंदर, ऐसा ही है वो, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, इट इज़ फैक्ट। लेकिन जिस तरीके से एक सहाबी ने भी अल्लाह के नबी से पूछा था ना, अल्लाह के नबी अगर उस शख्स के अंदर वो बात हो जो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी फरमाया यही तो गिबत है, अगर उसके अंदर वो बात हो ही ना तो ये तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया उसके ऊपर, है जब भी तो गीबत है, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। मैं चाहूंगा कि अब हम ये तो गीबत की हमने बात कर ली है, कब कब गीबत हराम है और किस तरह क्या क्या टॉपिक्स हैं, हम जो मतलब क्या क्या बस वो मौके हैं जहाँ पर हमें गीबत करना मना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ मसलियत के तहत शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि हम जो हैं वो किसी शख्स की बुराई बयान कर सकें। मसलियत के तहत अभी भी यहाँ देखिए ह्यूमैनिटी बेपी से होगा, आप कोई भी मौजू उठाएं, आपको सोसाइटी का सोसाइटी की भलाई के लिए इस्लाम की तरफ से कोई ना कोई आपको उसमें पहलू पहलू मिलेगा कोई ना मिलेगा कोई। आपको उसमें, ये हकीकत है। बहरहाल यहाँ पर भी जो यानी कब कब हम गीबत यानी आप किसी की बुराई बयान कर सकते हैं मसलियत के तहत, तो इजमालन ये कि मुख्तसर कि पहली चीज़ ये कि जब आप पर कोई जुल्म हो रहा हो तो आप किसी अपने हाकिम का, या फॉर एग्जांपल आप के घर में जुल्म हो रहा है, कहीं पर भी आप कहीं जॉब करते हैं वहाँ आप पे पर जुलम हो रहा है, जैसे आप मैरिड हैं आप। आपकी हो जाए फिर आपसे ही पूछेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल तो उसमें ये कि आप किसी पुलिस वाले के पास चले गए या फिर किसी भी चीज बंदे के पास चले गए, उसको आपने उनको कहा कि फला बंदा तो इस तरह करता है, तो ये भी मसलियत के तहत आपने ये बात कर दी पुलिस वाला ज्यादा प्रैक्टिसिंग में बोलेगा गिबत नहीं करो यार। है फिर हम उनको यही समझाएंगे कि गीबत नहीं है। और सेकंड ये कि आप उस शख्स को बताएं जो कि कहीं गलत चीज़ हो रही है उसको तब्दील करने पर कादिर हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं डांस या किसी ने क्लब खोला और सही है, आप वहाँ के जो एच वहाँ के जो डिप्टी आपके पास कमिश्नर अथॉरिटी है, है, आप कह अथॉरिटी है, सकते हैं आप दूसरे आपके पास। पास नहीं लेकिन किसी दूसरे शख्स के सही पास है। अथॉरिटी है, आप उसको आके कह दें कि फ़लाँ फ़लाँ जगह ये चीज़ हो रही है तो हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये अब्बू को चीज़ बता दें कि भाई सिगरेट पी रहा है, ये बात थोड़ी है। जी ये मसले के तहत। और दूसरी चीज़ के किसी तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि मुसलमान के बारे मुसलमानों को बताना किसी शर्त से, फॉर एग्जाम्पल एक कोई काम कर रहा है उसमें शर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिश्ता आया कोई, सही है। कुछ तो बड़े होने माशाल्लाह आपके पास नहीं आया लेकिन ये है कि आपसे किसी ने मशवरा लिया इस बारे में कि फलां शख्स कैसा है, सही, मेरे दोस्त का रिश्ता हो रहा है जैसे। हाँ जैसे कि माशाल्लाह और उसके गम में आप बैठेंगे आप पे क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें ये कि आप पे लाजिम है, या स्कॉलर्स लिखते हैं कि आप पे लाजिम है कि आप इस मौके पर ना आप सबसे बताएं, आप बोले नहीं मैं गिबत नहीं करता, मैं गिबत से बचता हूँ, नहीं आपको चाहिए कि आप लाजमी तौर पर उसे बताएं ये की बात नहीं खिलाएंगे। कि गिबत नहीं खिलाई। जैसे कि आप जब हम हदीस की बात करते हैं तो हदीस के अंदर भी किसी शख्स के बारे में हमें पता चलता है कि फ़लाँ शख्स जो है इस सनद में ऐसे इसमें जो भी एक्सपर्ट है ये रावी सही नहीं है, तो हमें स्कॉलर्स के जो हमारे सलफ जो उनके अकवाल मिल जाएंगे कि फ़लाँ रावी झूठ बोलता है, तो ये गिबत नहीं है मसलियत के तहत, ताकि हमारी जो जितना भी इस्लामिक सही पर्सपेक्टिव है। से जितनी भी चीज़ें वो सारी महफूज हो जाएँ। अच्छा हुसाम भाई, बहुत सारी बातें हमने, सबसे पहले ज़बान के बारे में जनरली बात की, उसके बाद हमने ज़बान से एक रिलेट करती हुई चीज़ जिसे गीबत कहते हैं उसको हमने खासा डिफाइन कर दिया है, अच्छा खासा हमने डिफाइन उसको कर दिया डिटेल के अंदर। और अभी हमारी कोशिश थी कि हम आगे मज़ीद जो ज़बान से कनेक्टेड जो गुनाह हैं, झूठ हो गया, लानत हो गई, और जिस तरीके से बहुत सारे गुनाह हैं, हमारी ये कोशिश है कि उसको अभी हम इसी पॉडकास्ट में कवर करते, लेकिन मुझे लगता है कि अब टाइम कुछ ज़्यादा हमने ले लिया ऑडियंस का, तो अब हम इसको यहीं पर रैपअप करते हैं इंशाल्लाह। तो इसी से कनेक्टेड जो और बातें हैं, झूठ हो गया और जिस तरीके से इतनी जितनी बातें हैं, उसको हम इंशाल्लाह आगे न्यू पॉडकास्ट के अंदर रिलीज़ करेंगे। अगले पॉडकास्ट इसी से इंशाल्लाह कनेक्टेड होंगे, इसी पॉडकास्ट से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से, हमें जिस तरीके से सलफ़ सालेहीन अपनी ज़बान की हिफाज़त किया करते थे, हमें भी अपनी ज़बानों की हिफाज़त करनी तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।